हरिओम पांडे ने ये साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे शीतकालीन सत्र में। हरिओम पांडे जी, आज जो सुनवाई टली है सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर, उसके बाद आपने ऐलान किया है, क्या कुछ आपका प्लान है? देखिए, हमारा देश एक आस्था का देश है और आस्था के देश में जब कोई कानूनी प्रक्रिया बाधा पैदा कर जाती है, हमने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से निराश करके उसको एकदम से टाल दिया, तो एक बैक हमारे जनता को झटका लग रहा है और इसको वो सब चुनावी रंग देना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जब यूएई मुस्लिम कंट्री में मंदिर बनाने के लिए जमीन मिलती है, मंदिर बनता है, तो हमारे भारत में हमारा मुसलमान भाई क्यों नहीं इसको कानूनी संविधान पे अपनी चीज़ें वो करके और भारत को सौंप रहा है? अगर हमारे देश का ही मुसलमान इस तरीके से कर रहा है तो निश्चित तौर पर एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि बाहर का मुसलमान हमको ज़मीन दे सकता है कि जहां मैं हिंदू देवी देवता की मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता था, वहां पर हमारे मोदी जी के इस तरीके से कि अवध प्रांत, अवध क्षेत्र का हमारा जो महामहिम प्रधानमंत्री है उसको जब इस्लामिक कंट्री के लोग मानते हैं तो हमारे देश का मुसलमान क्यों नहीं बात मानता है? जबकि बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर वह नहीं मानते हैं तो हमको मजबूर होकर हमको संविधान में लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल शीतकालीन सत्र में लाना ही पड़ेगा। अगर संवैधानिक कानून सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला नहीं देता है तो हमको इस फैसले पर तो जनवरी तक टाल दिया इस मामले को। यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। पहले कहा गया कि हम सुनवाई डे बाय डे करेंगे, यह बताइए इस तरीके से अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश माननीय इस तरीके का फैसला ले लेंगे और वह एक जनमत के तौर पर उसको दुखी करने लगेंगे तो इस तरीके का फैसला हमारी समझ से तो बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना विवेक काम करता है, हमारी संस्कृति काम करती है, अयोध्या में इस्लामिक कंट्री में मंदिर बन सकता है और अयोध्या में नहीं बन सकता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज। और सांसद आएंगे इस प्राइवेट मेंबर बिल के समर्थन में? देखिए, सांसद तो हमारे साथ क्यों नहीं आएंगे, जो हिंदुत्व की बात करता है, सबके साथ सबके विकास की बात करता है। जब विकास में तमाम बातें यूएई में, पूरा विश्व जहां 52 कंट्रीज का वो धार्मिक सेंटर रहा है, वहां अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को जमीन मिलती है मंदिर के लिए, देखिए तो यहां पर प्राइवेट मेंबर बिल साफ तौर पर लेकर आएंगे ऐसा ऐलान कर रहे हैं बीजेपी के सांसद, जो कि अयोध्या से सटी हुई सीट से सांसद, और ये कह रहे हैं कि कौन अधिक से अधिक संख्या में सांसद इस प्राइवेट मेंबर बिल के समर्थन में आएंगे राम मंदिर पर, जो शीतकालीन सत्र में पेश करेंगे।